हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं यहाँ से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें दोस्तों हम लोग 100 वीडियो देखेंगे और डेली मैं आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो लाऊंगा जो कि SSC CHSL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये पार्ट वन होगा जिसमें मैथ के पाँच क्वेश्चन होंगे जो कि SSC CHSL जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं डेली ए आपके लिए एक वीडियो मैथ का लाऊँगा और रीजनिंग का लाऊँगा जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि SSC CHSL में पूछे जा सकते हैं। तो ये पार्ट वन होगा जिसमें हम लोग पाँच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि पी इंटू 3/4 इजकल टू क्यू इंटू 7/11 तो पी रेशियो क्यू का मान क्या होगा। तो हम लोगों को दिया है पी इंटू 3/4 इजकल टू क्या दिया है, क्यू इंटू 7/11। तो दोस्तों, इसमें हम लोग कर लेंगे पी अपान क्यू या पी रेशियो क्यू कह सकते हैं। तो पी ए क्यू इधर चला गया तो बटे में हो गया, तो पी रेशियो क्यू इजकल टू हो जाएगा 7/11 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 7 × 4 = 28 और ये 11 × 3 = 33। तो पी रेशियो क्यू का मान आ जाएगा 28:33। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, हम लोगों को पता है कि वर्ग में सभी भुजाएँ बराबर होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि ये वाला फार्मूला लग जाएगा a + b + a × b / 100। तो दोस्तों, जब एक भुजा ए मान लेंगे तो सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी ए के बराबर। तो इसमें जो ए 10 भुजा है, ए बराबर 10 दिया है, तो ये चारों में 10 ही होंगी, तो ए का मान भी 10 हो जाएगा, बी का मान भी 10 हो जाएगा। तो 10 + 10 + 10 × 10 / 100, ये 0 से 0 दो कट गए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 21%। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को ₹630 में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है तो कोट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मुझे दोस्तों पता है कि CP को हम लोग कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानते हैं, और कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट या लॉस जोड़ दें या घटा दें तो वो हमारा सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे दे रहा है कि 5% का लाभ होता है, तो 100 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105%। तो ये 105% क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो दुकानदार ₹630 में एक कोट बेच रहा है, तो 105% की वैल्यू कितनी, 630। आगे पूछ रहा है कि लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य मतलब MRP। MRP को हम लोग हमेशा 100 मानेंगे जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू x मान लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x बराबर हो जाएगा 630 × 100/105। तो इसको हम लोग काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 × 100 = ₹600 हो जाएगा लागत मूल्य उसका। अगला फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि PQ / R किसी काम को क्रमशः 60 दिन, 100 दिन और 80 दिन में पूरा करते हैं। वे काम को पूरा करने के लिए मिलकर एक साथ काम करते हैं और ₹2256 प्राप्त करते हैं, तो पी को कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, वे एक साथ जब मिलकर काम करते हैं तो उन्हें डेली ₹2256 मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो पी किसी काम को 60 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 100 दिनों में करता है, और आर 80 दिन में काम करता है। अब इसको हम लोग दोस्तों इसका एलसीएम 60 और 100 और 80 का एलसीएम निकाल लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1200। तो ये जो 1200 आएगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसको हम लोग एलिगेट करेंगे, पी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, तो 60 का डिवाइड करेंगे 1200 में तो हमारा आ जाएगा एक दिन का कार्य पी का 20। इसी प्रकार 100 को डिवाइड करेंगे 1200 में तो ये आ जाएगा 12 एक दिन का कार्य। इसी प्रकार 80 को डिवाइड करेंगे 1200 में तो एक दिन का कार आ जाएगा 15 आर का। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि बनडे वर्क कितना है पी क्यू आर का, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर का बनडे वर्क कितना है रेशियो में, 20:12:15। तो टोटल वर्क कितना हो गया इनका एक दिन का, 47। तो इनका टोटल वर्क जो एक दिन का काम हो गया 47। तो दोनों जब तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो डेली वो ₹2256 प्राप्त करते हैं, तो 47 = क्या हो जाएगा, 2256। तो पूछ रहा है कि पी का कार्य पी कितने दिनों में, मतलब पी को कितने रुपए मिलेंगे।
तो पी का कितना है मूल्य, 20। तो 20 बराबर क्या हो मान लेंगे, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2256 इंटू 20 अपन 47। तो एक्स का मान आ जाएगा 960 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए व बी ऐसे धन पूर्णांक हैं जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 1। 19 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 19 इंटू 1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मान हो जाएगा 19, ए माइनस बी का मान हो जाएगा 1। अब इससे हम लोग ए का मान निकालेंगे, तो ये बी बी कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो ये 2 से 20 कटा, तो ए का मान आ जाएगा 10। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो इसके पार्ट टू में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि SSC CHSL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में इसके।